Let's start with alternating current. This is a part 2 of the unit 4. And a current which periodically changes, periodically changes its direction, is called an AC. Let's take some examples of AC current. मतलब ये ना दिमाग में आपके रहे कि सिर्फ एक तरीके का AC current होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक तरीके का AC current इस chapter में पढ़ते हैं. Suppose ये इसकी maximum value current की और फिर इसमें break आ जाता है. नीचे माइनस आई नॉट एंड सो ऑन. तो ये देख सकते हैं आप कि ये भी एक तरीके का एसी करंट है और इसे हम बोलते भी हैं स्क्वायर वेव अल्टरनेटिंग करंट. स्क्वायर वेव अल्टरनेटिंग करंट, ये हाफ टाइम पीरियड ले लीजिए टी, 3t/2 एंड दिस इज 2t. एसी करंट ऐसा भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर वेव. फिर से आई नॉट, ये माइनस आई नॉट एंड सो ऑन. दिस ट्रायंगुलर वेव एसी. एक बार जरूर ध्यान रखें कि जरूरी नहीं होता कि दोनों एंड्स पर जो वैल्यू मैक्सिमम है वो सेम हो. अगर डिफरेंट भी होगी तो भी वो एसी ही कहलाएगा. हम हमने जो एसी पढ़ना है उसकी वजह ये है कि हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू जिस तरीके का अल्टरनेटिंग करंट हम ओरिजिनेट करें हैं वो कैसा होता है. लेट अस हैव अ ब्रीफ आइडिया ऑफ how we were actually finding getting that kind of alternating current. We had a north south magnet, yes or no, and we had a coil. याद करिए, हम थोड़ा रिकैप कर रहे हैं आपके लिए, डायग्राम बना रहे हैं इसीलिए कि हम जनरेटर का डायग्राम बना रहे हैं. नॉर्थ साउथ ये ब्रशेज हुआ करते थे, याद करिए. यहाँ से ब्रशेज से जहाँ भी लोड में जाना था और ये घूमते रहते थे अलोंग विद दी रिंग्स. ये तार भी घूमते रहते थे और यहाँ से हम पहले इनको मोशन दिया करते थे तो हम नोटिस करते थे कि अभी तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि 0 degree है विद द प्लेन ऑफ द कॉइल. एट एनी इंस्टेंट फाई इज इक्वल्स टू फ्लक्स पासिंग थ्रू एस बी ए कॉस थीटा. एनी गिवन टाइम आप चाहे तो साइड व्यू से देखने की कोशिश करें. अगर कि साइड व्यू मतलब थोड़ा सा मैंने साइड से दिखाने का, हल्का सा टिल्ट हो जाए कॉइल अपने एक्सिस से. इस एक्सिस को मैंने वर्टिकली खड़ा करके टिल्ट करके दिखा रहा हूँ. तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो हल्का सा कॉइल अगर थोड़ा भी रोटेट कर जाती है, ये एरिया वेक्टर है. सो वी आर बी ए कॉस थीटा एज अ फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्फेस. ये सब नो हम सब पढ़ते हुए आए हैं. अगर आपको ऐसे ही डायग्राम अच्छा नहीं लग रहा तो देख सकते हैं कि कॉइल अगर ऐसे हो जाए, थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड थी, हल्की सी टिल्टेड हो जाए बाय सम एंगल थीटा, है ना, यहाँ से टिल्ट हो जाए तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो मुद्दे की चीज़ है यहाँ पे. और मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल तो ये एरिया वेक्टर ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इनके बीच में एंगल थीटा है. तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा कॉइल टिल्ट हो जाएगी तो उनके बीच में एंगल आ जाएगा.
एंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला बिकॉज द अदर कॉम्पोनेंट ऑफ फ्लक्स विल नॉट एक्चुअली पास थ्रू द कॉइल। सो हम ये जान चुके हैं कि फ्लक्स सिर्फ कॉस थीटा क्यों लेते हैं, इसके लिए आपको फ्लक्स पे जाना होगा EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सेक्शन में कि हमने कॉस थीटा क्यों लिया। ठीक है, आपको मैं एक छोटा सा ही दिखाता हूँ। जैसे जो बी है हमारा, इसके दो कॉम्पोनेंट हो सकते हैं, बी कॉस थीटा, एक जो कॉइल के एरिया के डायरेक्शन में और एक कॉइल के सरफेस पे भी है, बी साइन थीटा। ये सर ना बी साइन थीटा, ये तो सरफेस पे है, ये तो क्रॉस नहीं कर रहा ना फील्ड कॉइल को, जो कॉइल को क्रॉस करता है फ्लक्स उसी को बोलते हैं। तो जनरल केस में हम कॉस थीटा कॉम्पोनेंट ही क्रॉस कर पाता है कॉइल को। तो ये हमने आपको थोड़ा रिकैप दे दिया कि इस तरीके से हमने मैग्नेटिक ने EMF इंट्रोड्यूस किया था या इंड्यूस किया था, और इसी की हम स्टडी करते रहे हैं इस चैप्टर में कि इस तरीके से जो उत्पन्न होता है करंट, हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। और अगर हम देखें कि थीटा को हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। नाउ द EMF इंड्यूस इज माइनस डी फाई बाई डी टी, विच इज माइनस का डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी, एंड इफ यू वॉन्ट टू लाइक मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ टर्न्स यू कैन डू दैट ऑल्सो। एन फाई है इमे हो जाएगा माइनस का एन बी ए ओमेगा टी का ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी का माइनस का साइन ओमेगा टी, हो जाएगा प्लस का एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। नाउ दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ओके दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज व्हेन दिस कैन बी मैक्सिमम बी वन एंड देन इट बिकम्स मैक्सिमम वैल्यू एन बी ए ओमेगा, सॉरी लेट्स राइट द मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज हाउ वी कम टू दिस काइंड ऑफ EMF वी हैव। ठीक है, इसीलिए हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। और इसको जब हम प्लॉट करते हैं तो ये भी फ्लक्चुएट करता है साइन थीटा का। सो यू नो हाउ वी गेट टू दिस ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड हाउ डू वी प्लॉट अ साइन थीटा, वी प्लॉट अ साइन थीटा कर्व लाइक दिस and it has maximum value plus 1 and the in the other direction minus 1। लेकिन अगर इस sin theta में अगर कुछ multiply हो जाए तो maximum values भी बदल जाती हैं। यस और नो, सपोज दे आर लेस देन 1 देन वी डू लाइक दिस, एंड सपोज दे आर ग्रेटर देन 1 देन वी कैन ऑल्सो डू लाइक दिस। तो ये चेंज हो सकता है एम्पलीट्यूड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर हियर ई नॉट ई नॉट। दिस इज हाउ वी also have another kind of alternating current, we call it sinusoidal AC। तो हमने पढ़ा square wave AC, triangular wave AC, and this is not sinusoidal। Now we know why it is working like this, ठीक है? Why we are getting such a sinusoidal wave? Because we were concerned with a rotating coil and magnetic field, and it produces only that one। When a coil rotates in magnetic field, हमें sinusoidal AC ही मिलने वाला है। हम study भी उसी कर रहे हैं। तो ये कहानी है हमारे सिनुसॉइडल एसी की। लेकिन अगर आप करंट की बात करें, से ई इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आप यहाँ भी रिप्लेस कर सकते हो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और से सम अदर फेज वी हैव। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज इट, कि वी कैन हैव अ डिफरेंट एंगल ऑल्सो इन करंट, आई विल एक्सप्लेन यू दैट लेटर। बट वी द जनरल स्टेटमेंट इज दैट इफ EMF इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, I is I not sin omega t या sin omega t plus 5, there has to be some other addition or subtraction, or it can also be zero, but general formula यही है। इसीलिए हम करंट को भी ऐसे ही बनाते हैं, कोई बहुत चेंजेस नहीं है, ठीक है? और अगर मान लीजिए कि ये phi जुड़ा हुआ है तो फिर it will be different। Suppose this phi is negative, then ये ग्राफ जो है, ऐसे मान लीजिए ये ग्राफ जो है, ये तब है जब फाइ जीरो था, और मान लीजिए ये ग्राफ है, ओके, और ये आगे जो खिसक गया ग्राफ, ये तब है जब फाइ नेगेटिव है, ओके, और जब पीछे बनाएंगे तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है, यहां से बना लीजिए, एंड सो ऑन, तो ये तब बनाएंगे जब फाइ होगा पॉजिटिव। तो एक ख्याल रख लीजिए। तो हमने क्या सीखा कि ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी बना रहे हैं, तो
तो आई जो होगा वो होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। एंड वी हैव ऑल्सो सीन दैट व्हेन फाई इज पॉजिटिव दिखने में लगता है ग्राफ पीछे, पर एक्चुअली वो होता आगे। ग्राफ पीछे बनाना है पीछे, और फाई जब नेगेटिव होगा तो ग्राफ आगे बनाना है, ग्राफ आगे। ठीक है, हमने देख भी लिया था डायग्राम। खैर ये बात की बात है, अभी इसको हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायग्राम जो होते हैं उसमें क्लियरली दिख जाएगा क्यों ऐसा होता है। पर लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव एन ऑल्टरनेटिंग करंट लाइक दिस सपोज, और भी थे हमारे पास इस तरह वाले, है ना, ये भी थे और ट्रायंगुलर वेव भी था और ऐसे भी होते हैं, इस तरह के भी होते हैं। कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं तो वी आर मोर कंसर्न विद दोज क्वेश्चन विच वी हैव इन द बुकलेट। पर मैं एक इस तरह अलग तरीके की वेव का क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये जो मैंने बनाई है ये एनसीईआरटी में ही है, और विल टेक अप दिस क्वेश्चन। एनीवेज इसकी बात करें, आप बताइए कि अगर एक आदमी है जिसका हर वक्त नेचर बदलता रहता हो, कभी वो गुस्से में, कभी प्यार में, कभी जेलिसी में, कभी ईर्ष, कभी बहुत दानवीर हो जाता हो, मतलब ऐसे इंसान का स्टडी करना बहुत मुश्किल है ना, ऐसे इंसान को स्टडी करना बहुत मुश्किल है जो बार बार बदलता रहता हो, और हमें अगर एनालिसिस करनी है किसी प्रकार की या किसी कोई भी चीज़ करनी है उस इस तरीके के इंसान के साथ, तो हमें उसका एक प्रॉपर कैरेक्टर ब्रीफ पीरियड के लिए भले सही, लेकिन पता तो हो कि वो एग्जैक्टली इंसान कैसा है, किस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करेगा। और एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम लाइज विद एन एसी। बहुत ध्यान सुनना, यहाँ से बहुत कहानी बदलने वाली है। तो एसी में यही प्रॉब्लम है कि हर पल करंट जो है, करंट की बात कर लें अगर, हर वक्त करंट जो है वो बदलता रहता है, और इस करंट के लिए कई बहुत सी कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जो फिर किसी काम की नहीं रहती, मुश्किल हो जाते हो कि आधी साइकिल में सपोज एवरेज करंट निकालना चाहें तो आधी साइकिल में ऊपर है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में नीचे, तो फिर एवरेज करंट तो जीरो आ जाता है कि नहीं। तो बहुत सी एनालिसिस होती हैं जो इस तरीके के करंट पर करना बहुत मुश्किल है, या यूँ कहिए एक तरह से कर ही नहीं जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, इस ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं स्टेडी करंट से, स्टेडी या डायरेक्ट करंट से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा करंट जो बदलता नहीं है पर वो काम वही करता जो एसी करे, एक ऐसा करंट जो बदलता नहीं ताकि हमारी एनालिसिस आसान हो, मैथमेटिक्स जो हम यूज करें आसान हो, पर हम इस करंट को जब रिप्लेस करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि जो डायरेक्ट करंट हम यूज करेंगे इस करंट के जगह पर एज अ सब्स्टिट्यूट, दैट शुड डू द सेम वर्क विच दिस एसी इज डूइंग, ताकि कोई फर्क ना रह जाए। सिर्फ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को आसान करने के लिए हमने ऐसा करा है। तो ये जो हम एसी टू डीसी कन्वर्जन करते हैं, मतलब ऑन पेपर, ताकि हमारी एनालिसिस आसान हो, बार बार कोई बदलती चीज से पारा ना पड़े, तो इसका मुद्दा जो है वो एसी टू डीसी हम जो डिसाइड करते हैं वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है किस तरीके का एसी वर्क कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज द वर्क एसी डज, दिस वर्क इज एक्चुअली डिफाइंड टू टू डिफाइंड, मतलब दिस वर्क इज ऑफ टू टाइप्स ऑफ वर्क जो एसी करेगा, जिसके बिना पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली दो इंपॉर्टेंट करंट्स यहां बताने वाले हैं। ठीक है, एक तो टू टाइप्स ऑफ वर्क, एक होता है वर्क कलेक्शन ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज, कलेक्शन मैं कहूंगा फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, और दूसरा होता है हीट प्रोड्यूस्ड। तो एक ऑल्टरनेटिंग करंट चार्ज को फ्लो भी कराता है और एक ऑल्टरनेट करंट थ्रू अ रेजिस्टर या कोई भी लोड हीट भी प्रोड्यूस करवाता है, और इन्हीं दो बेसिस पर हम दो करंट जनरेट करेंगे, और वो वही काम करेंगे जैसे कि काम है चार्ज को फ्लो कराना, एक काम है हीट प्रोड्यूस करना। तो जो चार्ज को फ्लो कराने वाला काम है वो जो डायरेक्ट करंट करेगा, जो एसी भी कर लेता सेम टाइम पीरियड में, उसको हम बोलते हैं एवरेज करंट। और वो करंट जो एसी के हीट प्रोड्यूसिंग काम को सर रिप्लेस करेगा उसको बोलेंगे आई आरएमएस करंट। ठीक, तो हमें दो वर्क डिफाइन करने पड़ जाते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग करंट का इजाद किया गया।
तो लेट्स फाइंड आउट दी एवरेज करंट एंड इट्स वैल्यू ऑल्सो, विच वुड रिप्लेस दी ऑल्टरनेटिंग करंट एंड मेक इट इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड फर्दर एंड डू दी अनालिसिस फर्दर एनालिसिस ऑफ दी ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स. लेट्स सॉल्व दी एवरेज करंट.